मतलब वजह कोई है भी कि नहीं? I love you, अंकल. मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ, जैसा तू चाहता था. ये फैसला क्यों लिया तूने? अगर साहिबा भाभी ने मुझे नहीं समझाया होता तो मैं ये फैसला लेने की हिम्मत भी नहीं कर पाता. ये बदलाव, ये नयापन सब भाभी की वजह से. क्या मैं वाकई साहिबा को डिवोर्स देना चाहता हूँ? मैं तो अंकित को सिर्फ इसीलिए तलाक दे रही हूँ क्योंकि वो ऐसा चाहता है. हाथों पर मेहंदी लगाकर आप डिवोर्स काउंसलिंग के लिए आई हैं? वो ये छोटे बहन का विवाह है. वो सब ठीक है, अगर अंगद और आपके बीच की रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो फिर उनका नाम आपने अपनी हथेली पर क्यों लिखाया हुआ है? समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है. आप अपनी वाइफ के साथ यहाँ डिवोर्स काउंसलिंग के लिए आए, उनके नाम का मेहंदी लगा रखा है आपने अपने हाथों में. देखिए अंगद जी, अगर वाकई में आप दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो मेरी एक सलाह है और सलाह बिल्कुल मुफ्त है. आप लोग डिवोर्स के फैसले के बारे में ना दोबारा सोचिए. साहिबा ने मुझे डिवोर्स देने का मन बना लिया है. मैं तो कोशिश कर रहा था कि आज हम कोर्ट ना आए, लेकिन साहिबा तो हाथों में मेहंदी लगे होने के बावजूद यहाँ आ गई. तुम्हारे जैसी इनसेंसिटिव लड़की मैंने देखी ही नहीं है. मेरे दिल में क्या है तुम अब तक समझ ही नहीं पाई. जैसे कि तुम तो समझ गए ना कि मेरे दिल में क्या है. सब पता है मुझे. तुम्हारे दिल और दिमाग में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ डिवोर्स ही चल रहा है. कमाल है, डिवोर्स की बात लाए तुम, अलग होने को कहा तुमने और अब इल्जाम मुझ पर डाल रहे हो. खैर छोड़ो, तुमने डिवोर्स तो फाइल कर ही दिया, अब कुछ ही दिनों में छुटकारा मिल जाएगा तुम्हें मुझसे. और अब ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी तुम्हें, तुम बातें छुपाती हूँ तुमसे और तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते. एक तरफ मैं हूँ तो इस काउंसलिंग के बाद पूरे मामले के बारे में फिर से सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि तलाक लेना भी है या नहीं. और दूसरी तरफ ये है जो पूरा मन बना के बैठी है कि तलाक देना ही देना है. तो अब क्या सोचा है, अभी इसी वक्त तलाक चाहिए या घर चले? मैंने क्या सोचा है क्या? काउंसलिंग हो गई है, आप लोग जा सकते हैं. चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द आपको डिवोर्स दिला दूंगा. बस एक बार काउंसलर्स अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दे जज साहब को, समझे सब कुछ हो गया. ये बस फॉर्मेलिटी है. 95% केसेस में तो काउंसलर्स की रिपोर्ट के बाद डिवोर्स हो ही जाता है. अंगद और साहिबा ने डिवोर्स फाइल कर दिया, मतलब मैं जो कुछ भी सोच रही थी वो सच था. मेरे डिवोर्स पर बड़े ताने दिए थे ना इन लोगों ने. अब देखती हूँ इस घर की आदर्श जोड़ी जब डिवोर्स लेगी तो सबकी शक्लें देखने लायक होगी. हाँ नहीं तो